श्रद्धा सोशल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि घटना चक्र की आय दृष्टि से संबंधित है। दोस्तों हम लोगों ने घटना चक्र की आय दृष्टि स्टार्ट की है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने दो वीडियो अभी तक किए हैं राष्ट्रीय परिदृश्य पर। आज दोस्तों हम लोग वीडियो नंबर 3 करेंगे यूपी परिदृश्य पर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से अकेले तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की संभावना है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट करा दिया गया है। 2021 से लेकर 2012 तक के प्रश्न पत्र पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको पूरा देख डालिए। 2 से 3 बार 100+ क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में उससे मिलेंगे। और जो घटना चक्र की आय दृष्टि सीरीज चल रही है, इससे दोस्तों आपको 30+ क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लेंगे तो ये मान के चलिए प्रारंभिक परीक्षा आपको निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पहली न्यूज है, वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्या करेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुरूप यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए जो क्या है आपका स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, वो क्या कर रहा है, विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु भारत को यह मिशन चला रही है। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहला जो अंतर क्या किया गया, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो खोला गया है वो भुवनेश्वर ओडिशा में खोला गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, हो सकता है सीधे ना पूछे कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे खोला गया यूपी में, ये पूछ सकता है कि भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो वो भुवनेश्वर ओडिशा में खोला गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मैं देखिए प्रश्न भी आपको कराता जा रहा हूँ साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ई पेंशन पोर्टल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए एक दिवस का क्वेश्चन मिल गया आपको, और इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, यह पेंशन क्या करेगा, पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा और वित्त विभाग के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। प्रदेश के 11.5 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज आपको एक्सप्रेसवे में याद रखना है कि कितने किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और कितने जिले से आप पास कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दोस्तों देखिए आपका 296 किलोमीटर लंबा है, और दोस्तों ये स्टार्ट हो रहा है आपका भरतकूप चित्रकूट से और जाएगा आपका इटावा कुदरैल तक। ठीक है, इसमें जो 7 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये 7 जिले आपको रटे होने चाहिए। ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किससे नहीं पास करता है या किससे पास करता है, दोनों ही तरीके का प्रश्न बन सकता है। तो 7 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इस बार एक्सप्रेसवे से एक क्वेश्चन आएगा, बुंदेलखंड से, पूर्वांचल से और गंगा एक्सप्रेसवे से, तीनों से एक क्वेश्चन, तीन में से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला न्यूज है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020। दोस्तों देखिए इसमें क्या हुआ, सूरत में आयोजित किया गया स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन। ठीक है, ये सूरत में आयोजित किया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो सूरत में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड वितरित किए गए 2020 के। यूपी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, राज्य की श्रेणी में। क्लियर हो गई बात, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों देखिए यूपी के कौन कौन से शहर हैं जो उनको अवार्ड मिला, अर्थव्यवस्था में दोस्तों आगरा को 2nd नंबर का स्थान मिला है, जल में वाराणसी को 1 का स्थान मिला है, कोविड नवाचार में वाराणसी, कोविड नवाचार में सहारनपुर 1 राउंड 4 में। इसके बाद दोस्तों स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार दोस्तों वाराणसी को मिला है 2 का, पहले नंबर पे अहमदाबाद। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने घटना सार भी कंप्लीट कराई हुई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जरूर देखिएगा इसके साथ। ठीक है, दोनों मिला के आपको 40 out of 40 भी मिल सकते हैं एग्जाम में। करंट के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दोस्तों, सबसे पहली चीज कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त करता अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, ACHIEVERS अचीवर्स या लक्ष्य प्राप्त करता की श्रेणी में स्थान दिया गया है। कौन जारी करता है, नीति आयोग। दो क्वेश्चन बन सकते हैं।
ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? देखिए, राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कला कक्षों एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये ऑपरेशन कायाकल्प का उद्देश्य है। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के लिए। बस ये ध्यान रखिए, माध्यमिक विद्यालय का कायाकल्प यही आपका क्या है, माध्यमिक विद्यालय का कायाकल्प ही आपका ऑपरेशन कायाकल्प है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए, लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, ये आपका न्यूज है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरे भारत में दोस्तों इस प्रकार के 6 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से लखनऊ में एक होगा और लखनऊ के सरोजनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब दस्तक अभियान दोस्तों देखिए क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की अप्रैल 2022 में। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया समेत विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य। उद्देश्य महत्वपूर्ण है दोस्तों किसी भी अभियान में या किसी भी परियोजना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गीतांजलि स्त्री की कृति रेत समाधि। दोस्तों देखिए क्या किया गया है, जो गीतांजलि स्त्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्स ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, किसी भी हिंदी पत्रिका को, हिंदी की पहली रचना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ठीक है, इस रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अगर इनको पुरस्कार मिलता है तो ये इनके साथ साझा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गीतांजलि श्री का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अयोध्या एयरपोर्ट जो है वो यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। क्लियर कोई बात दोस्तों, 5वां इंटरनेशनल या 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, यही आपके लिए न्यूज है। ठीक है, प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका होगा। इसका नाम दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, प्रदेश में 9 हवाई अड्डे संचालित हैं और 10 आपके विकास चल रहा है। ठीक है, 10 पर। इसके बाद दोस्तों देखिए, जेम पोर्टल से खरीदारी करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तो जेम पोर्टल दोस्तों क्या है, बेसिकली शीर्ष पर आपका यूपी है, ठीक है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश आपका तीसरे स्थान पर है। तो वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु जेम पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ये दोस्तों दोनों स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं कि जेम पोर्टल में कौन शीर्ष पर है और सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु इसे लॉन्च किया गया था। दो स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ रहा है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, करंट पढ़ना आपको आई दृष्टि सही है, लेकिन तरीका चेंज करना है थोड़ा सा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़िए। ठीक है, तभी आपका एग्जाम में प्रश्न बनेगा। लोक निर्मला सम्मान दोस्तों ये शारदा सिन्हा जी को दिया गया है। ठीक है, ये शारदा सिन्हा, देखिए मैंने पहले ही नाम लिख दिया है, तो शारदा सिन्हा जी को लोक निर्मला सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मल्टीपल स्टेटमेंट याद रखिएगा, सभी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश को दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य का, इतना ध्यान रखिए, बस इतना पर्याप्त है। उसके बाद दोस्तों यूपी पहला स्थान है, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का तीसरा पुरस्कार बलुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति जी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ भी किया इस अवसर पर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए टॉपिक है। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नियुक्ति में पूछा जा सकता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे, रमापति शास्त्री जी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन आपका प्रयागराज में किया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो प्रयागराज में जनरली आपका क्या है, देखिए, ये 73वां वार्षिक अधिवेशन था और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां अधिवेशन आयोजित किया गया। अब दोस्तों देखिए, सम्मेलन का 111 वर्ष का इतिहास हो गया, ये 111वां अधिवेशन था जिसमें 7 बार प्रयागराज में ये अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए 7वीं बार ये है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, और 1994 में अधिवेशन अंतिम बार आयोजित किया गया था प्रयागराज में, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की आरती राणा और निर्जा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। क्लियर हो गई बात दोस्तों? देखिए उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए और निर्जा माधव को वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद दोस्तों देखिए अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये वाराणसी में आयोजित किया गया। ये यूपी स्पेशल के लिए स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्रुपद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वाराणसी में। ठीक है, तो वाराणसी के तुलसी घाट पर इसका आयोजन किया गया। ये 48वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा संस्करण भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट में यूपी पूछ सकता है, यूपीपीसीएस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए इसका आयोजन महाराणा बनारस विद्यान्यास और ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया। ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च माह में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मल्टीपल स्टूडेंट के लिए कब आयोजित किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, फरवरी मार्च में प्रतिवर्ष। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? बैजू बावरा मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये पूरा ही स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका यूपी संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ जो है वो बनाया गया लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, क्यों बनाया गया? ग्रीन बूथ का मतलब आप समझिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए। ठीक है, इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन है क्योंकि इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से ऑपरेशन किया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? यह पीजीआई लखनऊ रोबोट के माध्यम से बच्चों को ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च लॉन्च किया गया है। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? गूगल की तरह भारत सर्च नेट एल्गोरिथम के से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। बस इतना ध्यान रखिए किसने विकसित किया है और सर्च इंजन का नाम क्या है, भारत सर्च। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद नोएडा में वेस्ट लैंड टू वेट लैंड परियोजना को लॉन्च किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 में डंपिंग ग्राउंड को वेस्ट लैंड से वेटलैंड परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। बस ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, 25 एकड़ का है ये। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, कन्नौज अपने इत्र के लिए विश्व भर में जाना जाता है, इसे भारत की इत्र राजधानी का भी दर्जा प्राप्त है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर दोस्तों जो है वो ऑस्कर हेतु नामित की गई है। ठीक है, यह पुरस्कार जीतने में लेकिन असफल रही, लेकिन राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष द्वारा किया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट पर डबल टिक कर रहा हूँ। राइटिंग विद फायर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया और खबर लहरिया जो अखबार पर यह आधारित है जिसे दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी तथा सर्वश्रेष्ठ मैचिंग सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परिणाम के तहत उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और गणतंत्र दिवस परेड पर उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इसको साहित्य सम्मान जो है प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? ये रांची के कथाकार शिवमूर्ति को प्रदान किया गया है। क्लियर हो गई बात? आ सकता है परीक्षा में। इसके बाद दोस्तों देखिए ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा जो है क्या किया जाएगा, इसका पुनः जो है निर्माण किया जा रहा है। नितिन गडकरी जो क्या है आपके परिवहन मंत्री हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा के विकास की उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, यह पुनः निर्मित की जाएगी। ठीक है, मथुरा के अलावा यह मार्ग राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी होकर गुजरेगा। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल
किया जाएगा। तो मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए यह महत्वपूर्ण है। 84 कोसी परिक्रमा जो ब्रज की है उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और यह राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित की जाएगी और भारतमाला परियोजना चरण दो का हिस्सा होगी। इसके बाद दोस्तों मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर दिया गया, उसको क्या रखा जाएगा दोस्तों बताइए? जनरल विपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया गया, जो कि भारत के क्या थे पहले? चीफ ऑफ डिफेंस थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगरा मास्टर प्लान 2031, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया। इस प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है, ठीक है? एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है स्टेट मल्टीपल स्टेटमेंट में कि ताज धरोहर क्षेत्र का पहली बार गठन किया गया किसमें? आगरा मास्टर प्लान 2031 में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये मेरठ में आपकी स्थापना हुई है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ जिले के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। इस विश्वविद्यालय में खेल, खेल विज्ञान और खेल प्रौद्योगिकी के संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण और शोध कार्य संचालित किए जाएंगे, ठीक है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में 2018 में और यूपी में दोस्तों पहला मेरठ में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। 54वां दीक्षांत समारोह दोस्तों आईआईटी कानपुर का आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है दोस्तों, ठीक है। इस डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं पर भी सत्यापित किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, जानकारी के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई जो है वो स्थापित की जा रही है, ठीक है। ब्रह्मोस एयरस्पेस निर्माण इकाई और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा लखनऊ में बहुत सारी परियोजनाएं देखिए महत्वपूर्ण आ रही हैं। वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। अब वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह और डेयरी मार्ग भी लॉन्च किया, ठीक है। रामनगर वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बनास काशी संकुल परियोजना सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र और का शुभारंभ किया गया। और उत्तर प्रदेश दोस्तों जो क्या है? भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं निपुण भारत निगरानी केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए जीआईएस आधारित विद्यालय वार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग आउटकम मैप बेस्ड निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिए निपुण भारत निगरानी केंद्र कहाँ पे है? गोरखपुर में। इसके बाद दोस्तों पीलीभीत में दोस्तों बांसुरी महोत्सव मनाया गया। 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था 17 से 19 दिसंबर 2021। इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है, देखिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है कैसे प्रश्न बनेंगे? ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा चैनल तो। लखनऊ में मेडटेक, अब दोस्तों देखिए क्या है? SGPGI में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया। पहला स्टेटमेंट बहुत सही है। इसके बाद दोस्तों देखिए शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का भी शिलान्यास किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजधानी शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का भी शिलान्यास किया गया था। तो 3 चीजें आपको मिली, पहले भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन, उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज और उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का भी शिलान्यास किया गया। इसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया। ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका विषय था नया शहरी भारत। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर दोस्तों ये जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में चल भी रहा है दोस्तों। यह कॉरिडोर क्या है? वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? हाँ, अब दोस्त पहले क्या था ये दोस्तों? देखिए पहले ये केवल 5,000 फीट में था, लेकिन अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट में इसको विस्तृत कर दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र के रूप में बनाने की घोषणा की गई है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री के द्वारा,
ठीक है। विशेष शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना है और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे पहले हेलीपोर्ट को बनाने को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नोएडा के सेक्टर 151 में। और ध्यातव्य भी है कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो जेवर एयरपोर्ट भी नोएडा में बनाया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट भी बनाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा, गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। पहला गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और ICMR का क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ये तीनों ही गोरखपुर में स्थापित किए गए, मोदी जी ने उद्घाटन किया। मंत्रा ट्रैकिंग ऐप जो है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5,000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं और माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया, ठीक है दोस्तों। मंत्र का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? बल्कि प्रयागराज में स्थापित किया गया था। अब इसका पुनः नामांकन किया जा रहा है, किसके नाम के आधार पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, ठीक है, योगी जी ने किया है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 के तहत की गई है, ठीक है। गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले में दूरदर्शन उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आ सकता है माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय दोस्तों सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सहारनपुर जिले में पुनर्वारका ग्राम में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, यह है एक राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य विश्वविद्यालय है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में भी सूचना है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया, यह दो रूटों पर संचालित की जाएगी, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नवाब बाजी दरीशा प्राणी उद्यान दोस्तों क्या है? ये शताब्दी स्तंभ का क्या किया गया? अनावरण किया गया यहाँ पे। यह प्राणी उद्यान लखनऊ शहर में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। क्लियर होगी बात, मतलब शताब्दी स्तंभ का मतलब क्या है कि ये शताब्दी समारोह था यहाँ पे, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में है, ठीक है दोस्तों, और उसमें शताब्दी स्तंभ का योगी आदित्यनाथ जी ने अनावरण किया। उत्तर प्रदेश ने निर्यात नीति 2020-25 घोषित की है, विस्तृत नीति है दोस्तों, ठीक है। झांसी में रक्षा उपकरण इकाई और 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर सोलर पावर पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। तो तीन चीजें दोस्तों स्थापित की जा रही है। देखिए पहला आपका, देखिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही रक्षा उपकरण इकाई, पहला दोस्तों रक्षा उपकरण इकाई स्थापित की जा रही है जिले के, ठीक है, गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, ठीक है, 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है। और तीसरा दोस्तों, अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया जा रहा है। तो तीन चीजें दोस्तों हैं, ठीक है, तो रक्षा उपकरण इकाई, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, सोलर पार्क हो गया, और तीसरा आपका अटल एकता पार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर जो है उसको स्थापित किया जा रहा है, BHEL द्वारा यह बनाया गया है, वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर इसको नोएडा में लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। यह टावर अपने धरातल स्तर से के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है। टावर में स्थापित फिल्टर वायु के प्रदूषित तत्वों को सोख लेते हैं, बाद में टावर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकल जाती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है दोस्तों, ये वाराणसी में आयोजित किया गया, ठीक है, वाराणसी जिले के स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय कला संकुल के इस सम्मेलन में इसका आयोजन किया गया, ठीक है दोस्तों। अब पहली बार दोस्तों ये क्या है, इसका ये हो रहा है कि राजभाषा सम्मेलन जो है दोस्तों, ये दिल्ली से हटकर कहीं आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया गया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाली कार्यकारी संस्था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है, ठीक है,
अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन किया गया। सरयू नदी के तट पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पांचवें दीपोत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 2017 से इसकी शुरुआत हुई। छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस बार आयोजित पांचवें दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गए, जिसमें 9,54,000 जलते दीयों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है। पांचवें वर्ष तक शुरुआत की गई 2017 से। इसके बाद दोस्तों बटेश्वर पशु मेला दोस्तों ये आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, ये आपका धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में आयोजित किया जाता है। भारत का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो यमुना और शहरीपुर के तट पर 101 शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। ठीक है, फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया, अयोध्या कैंट रख दिया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर जो है अब वो IOCL लॉन्च करेगा। इसका निर्माण IOCL द्वारा किया गया है। इसे इंडियन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है, तो IOCL ने अभी लॉन्च करने का डिसाइड किया है। कौन कौन से शहर हैं यूपी के, ये लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जलवायु परिवर्तन सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए बस महत्वपूर्ण चीज यही थी, 5 वर्षों में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का भी विमोचन योगी जी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल ऐप भी लॉन्च किया और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया। सब पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जा रहा है। जगह ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। दोस्तों ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से किन जगह पर मेडिकल कॉलेज नहीं लोकार्पित किए गए। ठीक है, तो 9 ध्यान रखिएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, और ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर को लेके हो गया, पांचवा आपका अयोध्या है। अब कुशीनगर में दोस्तों राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण किया गया। ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश का 9वां कार्यरत हवाई अड्डा बन गया है। अब दोस्तों देखिए, यूपी SSF की 6ठी बटालियन अयोध्या में स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, UPSSF का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट, धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। परिणाम स्वरूप जून 2021 में UPSSF की 5 बटालियन गठित की गई थी, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर शामिल है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि UPSSF जो है, यूपी का जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो कहाँ कहाँ बटालियन उनकी रखी गई है, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर और 6ठी बटालियन आपकी अयोध्या में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 घोषित किए गए। सबसे मेन पुरस्कार दोस्तों, जो सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों होता है हिंदी संस्थान पुरस्कार का, वो भारत भारती पुरस्कार होता है। ये पांडे, शशिभूषण, सितांशु अमृतसर के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर सूर्यवाला मुंबई को यह पुरस्कार दिया गया था। बस इतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, बताइए। ये अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, तो अलीगढ़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय। इसके बाद दोस्तों ये क्या थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, एक अभियान जो है वो कब से कब तक लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित, मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दोस्तों वो शैलेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित करतनिया घाट वन जीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा। कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को दिया गया, ये क्या है, गंभीर, उन्होंने क्या किया, गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ की प्रजातियों का संरक्षण किया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार दोस्तों ये 2020 के हैं, ये लॉन्च किए गए, ये प्रदान किए गए। इसमें सर्वोच्च पुरस्कार जो विश्व भारती पुरस्कार होता है दोस्तों, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत भारती पुरस्कार आपका हिंदी संस्थान का है और विश्व भारती पुरस्कार दोस्तों आपका संस्कृत संस्थान का है।
आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना का निर्णय लिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा और प्रयागराज में दो औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका यूपी का करंट, मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।